दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट अ स्लीपर मेकिंग बिजनेस इन इंडिया और हवाई चप्पल बनाने का बिजनेस कैसे शुरू करें इसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जैसे कि कौन सी मशीनरी की जरूरत होगी, कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना होगा, मशीन और रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा और आप इनको कहाँ से खरीद सकते हो, बिजनेस शुरू करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगी, कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और आखिर में हम आपको उन सभी सप्लायर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल भी देंगे जिनसे डायरेक्ट बात करके आप मशीनरी और रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाजू में एक बेल आइकन उसे भी दबा दें, ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेट कर ले हमारे वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों स्लीपर एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई यूज करता है, चाहे वो गांव का हो या शहर का, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना स्कोप है। पिछले कई सालों से लोग इस बिजनेस को करके पैसा कमा रहे हैं और आने वाले दिनों में भी कमाने वाले हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हर साल पूरे वर्ल्ड में जितने भी जूते चप्पल बनाए जाते हैं उनमें से 15% से ज्यादा का प्रोडक्शन इंडिया में होता है। 15% का मतलब 2000 मिलियन से भी ज्यादा जूते चप्पल। दोस्तों चाइना के बाद हमारा देश सेकंड नंबर पे आता है और हम बहुत से देशों को माल सप्लाई भी करते हैं, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और भी बहुत से देशों में माल सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों आप भी अपने ब्रांड की स्लीपर्स बनाकर बेच सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे और कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंडिया में स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को ROC के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। ROC का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इसके अलावा दोस्तों आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटी के पास। आपको DIC के पास SSI यूनिट रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा और दोस्तों ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए आपको पॉल्यूशन विभाग से भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों ये वो लीगल प्रोसीजर्स हैं जो आपको करने पड़ेंगे स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक्चुअल बिजनेस के बारे में कि आपको कितनी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी और कौन सा रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल की जो आपको रेगुलर बेसिस पे खरीदना पड़ेगा स्लीपर्स बनाने के लिए। सबसे पहली चीज है रबर शीट्स। दोस्तों स्लीपर का सोल बनाने के लिए इन रबर शीट्स की जरूरत पड़ती है। रबर शीट्स के ऊपर डाई रखी जाती है और ऊपर से पंच किया जाता है जिससे ये चप्पल के शेप में कट जाती है। दूसरी चीज है स्लीपर स्ट्रैप्स। दोस्तों चप्पल बनाने के लिए इन फित्तों की भी बहुत जरूरत पड़ती है और ये बने बनाए दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। एक मशीन आती है उसकी मदद से आप इनको आसानी से स्लीपर में लगा सकते हो। तीसरी चीज है पैकेजिंग मटेरियल। दोस्तों पैकेजिंग मटेरियल की जरूरत आपको एकदम लास्ट में पड़ेगी जब आपकी स्लीपर बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। दोस्तों पैकेजिंग मटेरियल पर आप अपने हिसाब से खर्चा कर सकते हो। आपका पैकिंग जितना अच्छा होगा उतना आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तो दोस्तों इन रॉ मटेरियल्स को आपको रेगुलर बेसिस पे खरीदना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी मशीन्स खरीदनी पड़ेगी और कौन सी मशीन क्या काम करेगी। सबसे पहली मशीन है सोल कटिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल करके आप रबर की शीट्स को चप्पल के शेप में काट सकते हो। इस बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सबसे मेन मशीन है ये मशीन। आप अपने बजट के हिसाब से और आपके पास कितना स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से खरीद सकते हो। दूसरी मशीन है सोल ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल स्लीपर में होल करने के लिए किया जाता है। रबर शीट से काटने के बाद जो चप्पल का शेप बनता है उनमें 3 होल किए जाते हैं ताकि उन होल्स में फित्ता लगाया जा सके। तीसरी मशीन है स्ट्रैप इंसर्शन मशीन। दोस्तों इस मशीन की मदद से आप स्लीपर के होल में आसानी से स्ट्रैप डाल सकते हो जिसको फित्ता भी कहते हैं। दोस्तों इस मशीन की एक खास बात है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है। इस मशीन का इस्तेमाल करके मैन्युअली फित्ते डालने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये 3 मशीन्स तो सबसे जरूरी है स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए। इसके अलावा 2 ऑप्शनल मशीन भी है, वो आप चाहे तो खरीद सकते हैं। पहली मशीन है स्लीपर ग्राइंडिंग मशीन। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल करके आप स्लीपर को प्रॉपर फिनिशिंग दे सकते हो। जब हम सोल कटिंग मशीन की मदद से रबर शीट को काटते हैं तो कटी हुई चप्पल के बाहरी हिस्से प्रॉपर शेप में नहीं होते, तो उनको शेप में लाने का काम ये मशीन करती है। दूसरी मशीन है स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन। दोस्तों अगर आप कटी हुई चप्पल के ऊपर कलर करना चाहते हो या कोई डिजाइन प्रिंट करना चाहते हो तो आप इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लीपर के ऊपर कलर या डिजाइन प्रिंट करने से वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखती है और उसके सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये वो 5 मशीन है जिनको खरीद के आप स्लीपर मेकिंग बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, स्लीपर मेकिंग डाई। दोस्तों आप जिस भी साइज की स्लीपर बनाकर बेचना चाहते हो उस साइज की आपको डाई खरीदनी होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 नंबर से 10 नंबर साइज की स्लीपर बेचना चाहते हो तो आपको 6.5 खरीदनी पड़ेगी। दोस्तों हमें लगता है हमने वो सारी जानकारी कवर कर ली है जिनकी जरूरत आपको स्लीपर बनाने के लिए होगी। तो चलिए स्लीपर बनाने का प्रोसेस जान लेते हैं कि इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले सोल कटिंग मशीन और डाई की मदद से रबर शीट को चप्पल के शेप में काटा जाता है और चप्पल में 3 छोटे छोटे होल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कटी हुई चप्पल को प्रॉपर शेप देने के लिए स्लीपर ग्राइंडिंग मशीन का यूज किया जाता है जिससे चप्पल के बाहरी हिस्से प्रॉपर शेप में आ जाते हैं। उसके बाद स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन की मदद से कटी हुई चप्पल पर कलर किया जाता है या फिर जैसा चाहे वैसा डिजाइन बनाया जाता है और रात भर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। चप्पल सूख जाने के बाद सोल ड्रिलिंग मशीन से छोटे छोटे होल्स को बड़ा किया जाता है ताकि उनमें स्ट्रैप्स लगाया जा सके। उसके बाद स्ट्रैप्स इंसर्शन मशीन की मदद से मैन्युअली फित्तों को चप्पल में लगाया जाता है और चप्पल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। फाइनली कार्टन में डालकर बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे स्लीपर बनाना कितना आसान है। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको खरीदनी होगी रबर शीट्स। इनकी प्राइस 200 रुपए से लेके 1000 रुपए पर शीट होती है। जितनी महंगी शीट होगी उतनी रबर की क्वालिटी अच्छी होगी। तो आप मार्केट में जो क्वालिटी की स्लीपर बनाकर बेचना चाहते हैं उसके हिसाब से रबर की शीट खरीद सकते हो। दोस्तों एक शीट में आप आराम से 15 जोड़ी स्लीपर बना सकते हो, मतलब 15 से 20 रुपए में एक जोड़ी स्लीपर का सोल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको जरूरत होगी स्लीपर स्ट्रैप्स की। इनकी प्राइस मार्केट में 60 रुपए से लेकर 200 रुपए दर्जन होती है, मतलब 60 रुपए में आपको 12 जोड़ियां मिलेगी। एक जोड़ी की प्राइस आपको पड़ेगी 5 रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 15 से 20 रुपए में सोल तैयार हो गया, 5 से 10 रुपए में आपको फित्ता मिल जाएगा। तो चप्पल की प्राइस होगी 30 रुपए के आसपास। अगर आप स्लीपर पे कोई भी डिजाइन बनाना चाहते हो तो प्रिंटिंग कॉस्ट आएगा मैक्सिमम 2 से 3 रुपया और स्लीपर तैयार होने के बाद आपको बॉक्स में पैकिंग करके भेजना होगा, उसका कॉस्ट भी 2 से 3 रुपया आएगा। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए कि एक जोड़ी चप्पल बनाने में आपका खर्चा आएगा 35 से 40 रुपए और आप इस चप्पल को मार्केट में रिटेलर्स को आसानी से 50 से 55 रुपए में बेच सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको हर जोड़ी पे कम से कम 10 रुपए का फायदा तो हो ही जाएगा। दिन भर में आपकी कंपनी जितनी भी चप्पल बनाएगी आपको उतना ही फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मिनट में एक जोड़ी चप्पल बनती है तो 1 घंटे में कम से कम 50 जोड़ी चप्पल तो आसानी से बन जाएगी। अगर आपकी मशीन दिन में 12 घंटे चलती है तो 12 × 50 होता है 600, तो आपकी कंपनी एक दिन में आसानी से 600 जोड़ी चप्पल बना सकती है। जैसे कि हमने फाइंड आउट किया था एक जोड़ी पे 10 रुपए का फायदा होता है, तो 600 × 10 होता है 6000। तो दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कितने मुनाफे वाला बिजनेस है और आप आसानी से 5 से 6000 रुपए दिन का कमा सकते हो। एक दिन का 6000 रुपया मतलब महीने का 1,80,000 रुपया। दोस्तों स्लीपर मेकिंग बिजनेस में बहुत प्रॉफिट है। अगर आपका धंधा चल पड़ेगा तो आपने जितना इन्वेस्ट किया होगा वो 2 से 3 महीने में ही कवर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इन स्लीपर्स को आप कैसे बेच सकते हो, क्योंकि जब बिकेगा तभी प्रॉफिट दिखेगा। दोस्तों हम आपको 3 तरीके बताने वाले हैं। सबसे पहला तरीका है आपको अपना माल बेचने के लिए 1 या 2 लोगों को हायर करना होगा ताकि वो मार्केट में जाके होलसेलर्स और रिटेलर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में बता सके और ऑर्डर ला सके। दोस्तों ये पुराना मेथड है पर काम करता है। आप देखेंगे इस मेथड से आपको 1 महीने के अंदर ही ऑर्डर्स आना चालू हो जाएंगे। दूसरा तरीका है आप अपनी कंपनी को इंडिया मार्ट के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, वहां से आपको बल्क में ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ रजिस्टर करके भी अपना माल बेच सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट से सेलर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, आपको वहां से भी थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आने चालू हो जाएंगे। तीसरा तरीका है आप अपनी वेबसाइट बनवा लीजिए और अपने सारे प्रोडक्ट्स को वेबसाइट पर लिस्ट कीजिए। उसके बाद अपने प्रोडक्ट और वेबसाइट की डिजिटली मार्केटिंग करवाइए, मतलब फेसबुक और गूगल पर एडवर्टाइजमेंट करवाइए। इससे आपका ब्रांड सबकी नजरों में आ जाएगा और आपको ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वो 3 तरीके हैं जिनकी मदद से आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों स्लीपर मेकिंग बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको कम से कम 300 से 400 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए होगा ताकि आप 5 मशीन रख सको, रॉ मटेरियल रख सको और काम कर सको। दोस्तों हमें लगता है हमने सभी सवालों का जवाब दे दिया है। अब हम आपको सप्लायर्स के कॉन्टेक्ट डिटेल दे देते हैं ताकि आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बात कर सको और स्लीपर मेकिंग बिजनेस की शुरुआत कर सको। दोस्तों सप्लायर्स के डिटेल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप इन्हें नोट कर लीजिए और इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।